Hi guys, good morning. This is Pooja. Welcome back to my channel and welcome to a new vlog. And आज है Tuesday, so शुरू करते हैं आज का दिन. कुछ खास एजेंडा नहीं है, just completing daily chores and shooting for my Instagram page. I will shoot a recipe today, so let's start and see what's the recipe for the day. So ये बन रहा है पोहा guys. एंड पोहा इज समथिंग जो मैं हफ्ते में 6 दिन खा सकती हूँ. आई लव इट टू दैट एक्सटेंट. और धीर को भी बहुत पसंद है. विपुल चिढ़ जाते हैं कि आज भी पोहा, बट आई लाइक इट सो मच कि मैं हफ्ते में 6 दिन खा सकती हूँ. एंड अभी जो कि मटर सीजन में है, आई मेक मटर का पोहा. तैयारी चलने वाली है गाजर के हलवे की फ्रेंड्स. एंड दिस इज गोइंग टू बी सीजन्स पहला हलवा, गाजर का हलवा. और मैंने यहाँ न्यूज़पेपर बिछाया ताकि ये पील करके और ये इजीली उठा दूँ तो नीचे मेरा स्लैब क्लीन मिले ताकि मैं अपना सेटअप रखे और शूट कर सकूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द शूट. ओ सॉरी, नॉट शूट, विद द प्रेप्स एंड देन फाइनली द शूट. सो यहाँ सेटअप चल रहा है गाइस शूट का. और बिकॉज गाजर का हलवा बन रहा है, आई एम यूजिंग माय फूड प्रोसेसर टू ग्रेट द कैरेट्स. अब इसमें जो ये ब्लेड लगती है, मैंने ये ब्लेड हटा के ये डमी ब्लेड फिक्स करनी पड़ेगी. सो आई विल फिक्स दिस. डन. सो ये वाली ब्लेड फिक्स कर दी है. अब इसका जो ये लिड है, अब इस लिड में यहाँ पे हम स्लाइसर, ग्रेटर, कुछ भी फिक्स कर सकते हैं. अब मैं यहाँ फिक्स करूँगी मेरा ग्रेटर, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस. अब ये ऑप्शन होता है, ये है स्लाइसिंग ऑप्शन, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्लाइस इट, सो आई एम गोइंग टू फिक्स अ ग्रेटर. ये सबसे ज़्यादा मैंने इसमें यूज़ किया है, सो मैं पहले ये फिक्स कर देती हूँ. ये हो गया फिक्स. अब ये जाएगा इसमें. दैट्स इट, इट्स नाउ रेडी. आई विल फिक्स इट ऑन माई मिक्सर एंड ये हो गया रेडी. अब ये आपको साइड में यहाँ पे ये सब दिख रहा है. दैट्स बिकॉज फ़ोन मेरा लैंडस्केप मोड पे है. जब मैं इसको पोर्ट्रेट मोड पे शूट करूँगी तो सिर्फ ये जो मिक्सर है मेरा, फूड प्रोसेसर, सिर्फ वो विजिबल होगा, ये साइड के विजिबल नहीं होंगे. सो हियर गाइस, मेरा सेटअप हो चुका है, लाइट्स, ट्राइपॉड और ये कैरेट्स मैंने वॉश कर ली है. और सो चलिए शुरू करती हूँ मैं शूट एंड दिखाती हूँ आपको मेरा गाजर का हलवा का प्रोसेस. बहुत सिंपल है, मैं कोई मावा कुछ नहीं डालती हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक मावे वाला हलवा. आई लाइक दूध में रड़ा हुआ हलवा. सो दैट्स व्हाट आई एम मेकिंग. बैठा है यहाँ धीरू टू हेल्प मी आउट The whole thing. And हाँ, as you all know कि धीर का रूल है, जिसने हेल्प किया उसी ने बनाया. धीरू ये तूने क्यों हिला दिया बेटा पीछे एक वाला. गुड, ओके. आप चलो स्टार्ट करो. सो इस तरह से मेरी कैरेट ग्रेट हो गई है गाइज, बड़ी आसानी से, विद नो टाइम, आई मीन इन नो टाइम. और आज मैं आपको दिखाऊंगी एक फूड ब्लॉगिंग का, फूड रेसिपी शूट करने का एक जुगाड़ जो हम फूड ब्लॉगर्स करते हैं. आई डोंट नो बाकी करते हैं या नहीं, मैं तो ज़रूर करती हूँ. एंड रील्स हम किस जुगाड़ से शूट करते हैं. नाउ मुझे एक बड़ी कढ़ाई चाहिए टू शूट, टू प्रिपेयर दिस गाजर का हलवा. और इससे बड़ी कढ़ाई जो मेरे पास है दैट इज़ आयरन की. और मैं आयरन की कढ़ाई में हलवा नहीं बनाऊंगी बिकॉज कलर चेंज हो जाएगा. एंड ये जो कढ़ाई है, दिस इज़ नॉट इंडक्शन कंपैटिबल, तो मैं इसको इंडक्शन पे. और जो दूसरी कढ़ाई है उस, वो इंडक्शन कंपैटिबल है बट उसमें इतना सारा हलवा बन नहीं पाएगा बिकॉज दैट इज़ स्मॉलर इन साइज. तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे विदाउट इंडक्शन बर्तन इंडक्शन में कुकिंग करने का प्रोसेस दिखाते हैं. बेसिकली शूट करने से पहले मैं इस कढ़ाई को गैस पे गरम कर लूंगी. और जब गरम करके हम इसको इंडक्शन पे रख के कुछ डालते हैं तो वो मेल्ट होगा. जैसे घी है तो मेल्ट होगा, जीरा है तो तड़केगा, मस्टर्ड्स है तो तड़केंगे. तो लोगों को ये लगता है कि कुकिंग प्रोसेस सारा इंडक्शन पे हो रहा है, विच इज़ जस्ट एन इल्यूजन दैट वी गिव. बट कुकिंग प्रोसेस सारा गैस पे होता है. वी कीप शिफ्टिंग इट बैक टू दिस टू शो कि
इस पे कुकिंग हो रही है। सो मैं इस कढ़ाई को गर्म करके फिर इंडक्शन पे रख के शूट स्टार्ट करूंगी, ताकि जब मैं घी डालूं तो वो घी मेल्ट हो। सो हियर गाइज, कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है। सो लेट मी स्टार्ट द शूट प्रोसेस। मैंने घी डाला, उसमें ये ग्रेटेड कैरेट्स डाल दिए। अब इसको सेकेंगे। जब इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम होने लग जाए, जब ये कैरेट श्रिंक होने लग जाए, तब इसमें जाएगा दूध। सो चलिए गाइज, इतना तक का पार्ट जो मुझे शूट करना था, मैंने इंस्टाग्राम के लिए, दैट इज मेरी रील के लिए शूट कर लिया है। अब मैं इसको शिफ्ट करूंगी गैस पे। इंडक्शन तो आप जानते ही हैं कि बंद है, बिकॉज दिस कढ़ाई इज नॉट इंडक्शन कंपैटिबल। धीरे धीरे वेट बेटा। एंड यहाँ पे मैंने इसको गैस पे शिफ्ट कर दिया है, यहाँ पे चलेगा ये कुकिंग प्रोसेस। और जब ये साइज में श्रिंक हो जाएगा, आई विल शिफ्ट इट बैक हियर एंड पोर इन द मिल्क, और वो शूट करके वापस गैस पे शिफ्ट कर दूंगी। अब जो है फ्रेंड्स, गाजर में से जो पानी होता है वो एवेपरेट हो गया है। ये ऑलमोस्ट एक ड्राई सब्जी की तरह बन चुकी है। एंड अब इट्स टाइम टू ऐड घी इन दिस। अब मैं इसको इंडक्शन में शिफ्ट करूँगी एंड घी दूध। इनफैक्ट दिस इज़ द ओनली हलवा जिसमें इतना कम घी डलता है, फिर भी टेस्ट लाजवाब आता है। घी तो बिल्कुल कम डलता है गाजर के हलवे में। अब टाइम टू ऐड मिल्क, सो आई शिफ्ट इट बैक टू द इंडक्शन एंड आई विल ऐड इन द मिल्क। माय शिफ्टिंग द कढ़ाई हियर एंड अब रील मोड पे चला जा, पोर्ट्रेट पे चला जा। अब ये वापस गैस पे शिफ्ट कर लिया है मैंने एंड इसमें मलाईदार दूध डाला है। बिकॉज मैं मावा नहीं डालती, सो आई इंश्योर दैट आई ऐड फुल फैट मिल्क। सो या तो रॉ फुल फैट मिल्क ले सकते हो आप, अदरवाइज आप मलाई वाला दूध ले सकते हो। तो मैंने मलाई वाला दूध लिया है। दिस इज़ माई मॉम स्टाइल, मेरी मम्मा ऐसे बनाती हैं एंड दैट इज़ हाउ आई लाइक। मुझे वो मावे वाला बिल्कुल, खोया वाला या मावे वाला बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग गाइस कि मैं गैस पे क्यों शूट, मैं इंडक्शन पे शूट ही क्यों कर रही हूँ व्हेन आई एम जगलिंग बिटवीन इंडक्शन एंड गैस, दैट इज़ जस्ट बिकॉज टू मेक इट लुक अ लिटिल एस्थेटिक। अगर मेरे पास हॉब होती तो शायद मैं हॉब पे ही शूट कर लेती, बट सिंस इट इज़ अ वेरी ओल्ड स्कूल गैस स्टोव दैट आई हैव, मैं थोड़ा सा एस्थेटिक दिखाने के लिए उसको इंडक्शन पे शूट करती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मेरी सारी रेसिपीज़ ऐसे ही शूट होती हैं। इट्स ओनली दोज जिसमें मैं बर्तन बड़ा है, छोटा है और खाना ज़्यादा बनाना है, ओनली दोज रेसिपीज़ आई डू दिस। अदरवाइज मोस्ट ऑफ माई रेसिपीज़ इंडक्शन पे ही शूट होती है। बस अब इसको धीमी आंच पे हम करने देंगे। बस अब ये यहाँ सिकता रहेगा। जब तक ये सिक रहा है, मैं अपने लंच की प्रिपरेशंस कर लूँगी। और लंच मेरा है आज इडली सांभर। यस, आज वी आर नॉट हैविंग इन ब्रेकफास्ट और डिनर, वी आर हैविंग फॉर लंच, क्योंकि मुझे लंच में कुछ ईजी सा चाहिए था। सो आई थॉट इडली सांभर विल बी बेस्ट, तो वो बना रही। अब जब तक मेरी सांभर के लिए दाल बॉयल हो रही है एंड गाजर का हलवा हो रहा है, दूध कर रहा है, आई विल चॉप द ड्राई फ्रूट्स। बीच बीच में इसको चलाते रहें फ्रेंड्स, अदरवाइज ये अनइवन सीखेगा और जलने का भी डर रहेगा। ऑलराइट गाइस, सो ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसमें जाएगा ड्राई फ्रूट्स का तड़का। घी में ड्राई फ्रूट्स भुने जाएंगे एंड वो तड़का जाएगा, चीनी जाएगी एंड देन इसमें कलर और गहरा आएगा।
हाय गाइस, सो लंच वगैरह निपटाने के बाद आई वाज जस्ट रेस्टिंग, क्योंकि सुबह से आई वाज ऑन माय टोस फॉर गाजर का हलवा फॉर लंच. पहले ब्रेकफास्ट, फिर हलवा, लंच प्रिपरेशंस किया और उसके बाद किचन क्लीन की, अपने प्रॉप्स वगैरह उठाए. सो बस उसके बाद आई वाज जस्ट रिलैक्सिंग. अब बजने वाले हैं 5 एंड मैंने आकृति को बोला है टू मेक चाय. सो बची हुई इडली के साथ आई विल मेक सम स्नैक्स टू हैव विद चाय. सो बस चलते हैं बाहर, करते हैं चाय नाश्ता. दिस इज़ वॉट आई मेड विद बची हुई इडली फ्रेंड्स. बस इडली को छौंक दिया है मलका पुड़ी के साथ, करी लीव, उड़द दाल, राई, जीरे का तड़का विद सम मलका पुड़ी एंड फ्रेश धनिया एंड लेमन. बस बहुत ही टेस्टी लगता है. सो विद चाय ये हम पीने वाले हैं, ये हम खाने वाले हैं. लुक एट दिस मेस गाइज. कर रही हूं मैं अपना वार्डरोब अरेंज. हाय गाइज, सो चाय के बाद आई डिड एडिटिंग ऑफ माई रील, एडिट करके रील पोस्ट की एंड बहुत देर तो मैं डिसअपॉइंटमेंट में रही बिकॉज रील मेरी बुरी तरह पिट गई. आई डोंट नो वाई, आई रियली डोंट नो वाई. सो उसके बाद मैं अभी अपना वार्डरोब क्लीन कर रही हूँ, हाँ अरेंज कर रही हूँ, रीअरेंज रादर. सो दैट इज़ द मेस दैट यू सी ऑल अराउंड. बस अब ये करूँगी, उसके बाद थोड़ा चेंज करूंगी और सोने की तैयारी. सो या दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग फ्रेंड्स. आई एंड दिस व्लॉग हियर बिकॉज मुझे ये सारा करना है एंड आई विल सी यू टुमारो ऑन अ न्यू डे विद अ न्यू व्लॉग. अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम मेरी अच्छी बुरी सारी रील्स देखने के लिए. सो डू सपोर्ट मी देयर एज वेल. मैट एंड लैडल इज माय अकाउंट. सो दैट्स इट. सी यू टुमारो ऑन न्यू डे विद अ न्यू व्लॉग. टेक केयर, बाय बाय.